हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसाज कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऐसे स्नैक की रेसिपी। आप ये रेसिपी बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये बड़े छोटे को सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें 2 कप जितना पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमें इस पानी को अच्छे से 1-2 मिनट तक गर्म होने देना है। उसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्नैक और भी टेस्टी लगे इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जितना जीरा डाला है। अब हमें सबको अच्छे से उबालने देना है। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। उबालने लगा है, अब हम इसमें 1 कप जितनी सूजी डालेंगे। ध्यान रखना है कि हमें 1 कप सूजी डालना है तो 2 कप ही पानी चाहिए। यही प्रोसेस से आप बनाओगे स्नैक्स तो बहुत अच्छा और खस्ता बनेगा, इसीलिए आपको यही मेजरमेंट से बनाना है। सूजी डाल के हमें ऐसे लगातार चलाते रहना है जिससे सूजी में लम्ब्स ना पड़े और अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाए। देखो, सूजी डालते ही पूरा पानी सूजी एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से घुल जाती है। देखो, अब हमें लगातार इसे चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट में ही सूजी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें एक बॉईल किया हुआ आलू डालेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी साइज का आलू लिया था जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और इसके बाद मैंने उसे कद्दूकस कर लिया था। अब अच्छे से उसे मिक्स कर देना है। आलू अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट में अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम सबसे पहले उसे अच्छे से मसल लेना है जिससे अच्छे से स्नैक बनके तैयार हो। अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालना, पहले भी हमने डाला था। अब हम इसमें एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जिससे हमारा स्नैक और भी टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून जितना भाजीपाव का मसाला डालूंगी। इससे बहुत ही टेस्टी टेस्ट आएगा और बहुत ही खाने में क्रिस्पी लगेगा। 1 टेबलस्पून जितना हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी हमारा स्नैक बन के तैयार होगा। इसके बाद हम इसमें फ्रेश धनिया पत्ती डालेंगे। अब हमें सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मसल के अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे हमारा स्नैक अच्छे से रेडी हो। हाथ में चिपके तो आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हो। उसके बाद अच्छे से मसल लेना। देखो, मैंने अच्छे से रोटी जितना डो तैयार कर दिया है। अब हम इसका स्नैक बनाना चालू करेंगे। इसके लिए मैं इसको पहले एक भाग में डिवाइड कर लूँगी। इसके बाद हम इसे रोटी की तरह बेलेंगे। किनारे से फट जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हमें इसे और ही शेप देना है। इसे ऐसे रोटी की जैसे बेल लेना है। इतना थिक ही हमें बेल के तैयार करना है। अब हम इसे कट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉटल का ढक्कन ले लिया है। आप कोई भी कुकी कटर ले सकते हो, इससे भी बहुत अच्छे से शेप बन के तैयार होगा। देखो, यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसे निकाल लेंगे। सबको कट कर लिया है। अब और भी टेस्टी लगे इसके लिए हम ऊपर से कलौंजी को लगाएंगे। इससे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ही डालना। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे और अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें मीडियम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। ऐसे हमें डाल के उसे अपने आप ही ऊपर आए, उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। इससे पहले हमें इसे टच नहीं करना है, क्योंकि जब भी पक जाएगा तो अपने आप ही ये ऑयल में ऊपर आ जाएगा। देखो, सारे ऊपर आने लगे हैं। 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार है। अब हम इसे एक डिश में निकालेंगे। सारे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने केचप के साथ सर्व किया है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी बनानी है और आपके पास भाजी पाव का मसाला नहीं है, तो आप घर का रेगुलर मसाला डाल के भी ये रेसिपी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।